वेल दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में आप जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ऑनलाइन आप अप्रैल 2024 से कैसे ओपन कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के बाद अपने अकाउंट पर काफी सारे चेंजेस किए हैं। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो वहां पर आपको 5000 की इनिशियल फंडिंग देखने को मिलती है। लेकिन इस वीडियो में ही मैं आपको ऐसी ट्रिक दिखाने वाला हूं कि जिससे जो आपका 5000 का इनिशियल फंडिंग वाला अकाउंट है वो अकाउंट ना ओपन होकर आपका जीरो बैलेंस का कोटक 811 अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने से पहले कुछ बातें आपको बता दें कि इसमें आपको फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है जिससे आप अपना यूपीआई एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं और इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा कहीं भी कोटक महिंद्रा बैंक में 10% आप देखेंगे तो इंस्टेंट आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड को ही यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर हम प्राइवेट बैंक में बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की बात कर ले तो कोटक महिंद्रा बैंक से बेहतरीन मुझे कोई भी बैंक नहीं लगता है क्योंकि इसमें आपको क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिल जाती है। विदाउट सिविल स्कोर, विदाउट इनकम प्रूफ आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोटक 811 अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अकाउंट ओपनिंग पेज पर आ जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं ओपन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन और गेट अप टू यहां पर 7% का पर एनम यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहां थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जीरो बैलेंस का अकाउंट है, यहां पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके बेनिफिट देख सकते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के। इसके साथ ही आपको इसके जो कार्ड्स मिलेंगे उस पर रिवार्ड्स भी मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेपरलेस प्रोसेस होगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरिफिकेशन आपको करना है। इंस्टेंट आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा और क्रेडिट कार्ड भी अगेंस्ट आपको एफडी पर मिल जाएगा। कोई भी आपको यहाँ पर सिविल स्कोर का टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पर नो चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस, यहाँ पर कोई भी आपके नॉन मेंटेनेंस पर चार्जेस नहीं रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके फीचर बताए गए हैं, बेनिफिट्स वगैरह। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर मोबाइल नंबर देंगे, नीचे यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा पिन कोड। तो यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। पिन कोड आप अगर आपको नहीं पता है तो अपने आधार कार्ड पर चेक कर सकते हैं। ओपन नाउ वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप ओपन नाउ पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर जो ओटीपी सेंड किया जाएगा उस ओटीपी को डालेंगे और यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये ओटीपी ध्यान रखना है कि आपके ईमेल आईडी पर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर, नीचे और यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है और नीचे यहाँ पर आपको टर्म एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए पैन कार्ड पर जो नाम रहता है कुछ लेटर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप चेक करके यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अगर आपका नाम यहाँ पर गलत रहता है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है अब उस पर ओटीपी सेंड किया जाता है। पर जैसे आप ओटीपी डालेंगे आपका ओटीपी यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक वाला वेरीफाई होगा। फिर यहाँ पर जैसे ओटीपी डाल देंगे तो यहाँ पर देखिए आपके आधार कार्ड से आपका फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मैच कर लेता है और यहाँ पर नीचे आपको ऑक्यूपेशन यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पर आपको फैमिली इनकम डाल देनी है, यहाँ पर ईयरली इनकम आप डाल देंगे। देन यहाँ पर मटेरियल स्टेटस आप डाल देंगे, फादर्स नेम डालना है एज पर आपके पैन कार्ड पर जो नाम रहेगा। यहाँ पर नीचे आना है, मदर्स मैडर नेम आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आप मदर्स मैडर नेम डाल देंगे। यहाँ पर कन्फर्म मदर्स मैडर नेम, उसी मदर्स मैडर नेम को आपको नीचे कंफर्म करना है। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, नीचे यहाँ पर पिन कोड डालना है और पिन कोड जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर आपका एरिया ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड नॉमिनी करूँगा, इंस्टेंट हमें नॉमिनी ऐड करना है। तो यहाँ पर नॉमिनी का यहाँ पर आपको फुल नेम देना है तो यहाँ पर फुल नेम आप यहाँ पर नॉमिनी का डालेंगे। आप जैसे जिसको बनाना चाहते हैं, जैसे फादर को बनाना चाहते हैं तो फादर डाल देंगे। यहाँ पर आप अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नीचे यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस, अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे, सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है, सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर आप 6 डिजिट का एम पिन सेट करेंगे, एम पिन आपका एक सिक्वेंस में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर कंफर्म एम पिन करेंगे तो एम पिन आपका सेट सक्सेसफुली हो जाएगा। इंस्टेंट आपका यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अलाउ फॉर ऑनलाइन यूजर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन यूजर्स के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड आपके KYC के बाद आपके एड्रेस पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर ये सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस स्किप फॉर नाउ वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पर स्किप करने के बाद देखिए आपका 811 अकाउंट रेडी हो रहा है। थोड़ा यहाँ पर वेट करेंगे, डेबिट कार्ड आपका यहाँ पर सेट हो चुका है, एमपिन आपका सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप केवल 2 मिनट में देख सकते हैं कि आपका अकाउंट यहाँ पर रेडी हो गया। यहाँ पर आपको CRN नंबर मिल गया, अकाउंट नंबर मिल गया, IFSC कोड और UPI हैंडल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। कॉपी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिटेल्स कॉपी कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर लिमिट वगैरह देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप KYC कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपकी लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी। यहाँ पर नीचे कार्ड का डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर KYC कंप्लीट करना है तो कंप्लीट फुल KYC वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओरिजिनल पैन कार्ड, प्रोफाइल पिक्चर, आपकी एक सेल्फी फोटो ली जाएगी, आपका सिग्नेचर, यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देखिए वीडियो KYC आपका ऑन मोबाइल में होना चाहिए। आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीडियो KYC मोबाइल पर होगा, आपका जैसे मैं लैपटॉप पर कर रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं होगा। यानी आपका आप या फिर आप आपके एरिया पर जो भी आपका एरिया रहेगा उस पर आपके इनके एजेंट विजिट करके भी KYC कंप्लीट कर सकते हैं या फिर शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल अ विजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहीं से आप विजिट आप शेड्यूल भी करवा सकते हैं, विजिट करवा सकते हैं एजेंट को। अगर आपको वीडियो कॉल करके थ्रू KYC करना है तो यहीं पर वीडियो KYC भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शेड्यूल बुक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो कॉल के थ्रू KYC कंप्लीट करनी है। Ready for video KYC, ma'am? Can you see me and hear me clearly, sir? Absolutely, loud and clear. वैसे आपका मास्क काफी cool लग रहा है। Thank you, sir. Can you please confirm the city in your Aadhaar card address? Amchi, Mumbai. And your PIN code? 400025. Birth date? 6 July 1985. Umar, 34 saal. May I take a photograph? Pose karne ke liye tum ever ready? Frontal, sir. Oh. Perfect. Please, can you hold your PAN card? Okay. Just give me a minute to verify. Yeah, sure. Take your time. Aajkal to time hi time. Arey, aajkal to time hi time hai. Could you sign a blank paper and hold it up? बड़े दिन हो गए ऑटोग्राफ दिए। Video KYC call done. Done. Welcome to Kotak 811. अरे तो एक बार बोल दीजिए ना मैम, बहुत दिन हो गए सुना नहीं। What sir? Pack up. Kotak 811, India's first zero contact video KYC savings account.